हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव पर। फ्रेंड्स, इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में जो सबसे हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेस किया है, उस चेस की कहानी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेस किया था। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, मार्च 1976 में इंडियन टीम 4 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए वेस्टइंडीज़ के टूर पर गई थी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच वेस्टइंडीज़ ने जीता था और दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। तीसरा टेस्ट मैच 7 से 12 अप्रैल 1976 के बीच क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया था। बिशन सिंह बेदी इंडिया के कैप्टन थे और क्लाइव लॉयड वेस्टइंडीज़ के कैप्टन थे। क्लाइव लॉयड ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले इनिंग्स में विव रिचर्ड्स के शानदार 177 रन्स, क्लाइव लॉयड के 68 रन्स और बर्नर्ड जूलियन के 47 रन्स के बदौलत वेस्टइंडीज ने 359 रन्स बनाए। इंडिया की तरफ से पहली इनिंग्स में शानदार बॉलिंग करते हुए भगवत चंद्रशेखर ने 6 विकेट्स लिए और कैप्टन बिशन सिंह बेदी ने 4 विकेट्स लिए। इंडिया ने अपनी पहली बैटिंग इनिंग्स में सिर्फ 228 रन्स बनाए। इंडिया के लिए मदन लाल और गुंडप्पा विश्वनाथ टॉप स्कोरर रहे। मदन लाल ने 42 रन्स बनाए और गुंडप्पा विश्वनाथ ने 41 रन्स बनाए। वेस्टइंडीज की तरफ से माइकल होल्डिंग ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हुए 6 विकेट्स लिए। होल्डिंग की ज़बरदस्त बॉलिंग के सामने इंडिया के बल्लेबाज ज़्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। इंडिया को पहली इनिंग्स में 228 रन्स पर ऑल आउट करके वेस्टइंडीज ने 131 रन्स की बड़ी लीड हासिल कर ली थी। 131 रन्स की लीड के साथ वेस्टइंडीज ने अपनी सेकेंड इनिंग शुरू की। सेकेंड इनिंग्स में अलविन कालीचरण ने शानदार सेंचुरी लगाई। कालीचरण ने नॉट आउट 103 रन्स बनाए। वेस्टइंडीज ने अपनी सेकेंड इनिंग्स 271 फॉर 6 विकेट्स पर डिक्लेयर कर दी। इनिंग्स सेकेंड इनिंग्स में बनाए गए 271 रन्स प्लस पहले इनिंग्स के 131 रन्स की लीड को मिलाकर वेस्टइंडीज ने इंडिया के सामने चौथी इनिंग्स में 403 रन्स का टारगेट रखा। जीत के लिए 403 रन्स के टारगेट का पीछा करते हुए इंडिया ने अपनी सेकेंड इनिंग शुरू की। इंडिया की तरफ से सुनील गावस्कर और अंशुमन गायकवाड़ ने इनिंग्स की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर 69 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप की और इंडिया को एक अच्छी स्टार्ट दिलाई। जब अंशुमन गायकवाड़ 28 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे, तब रफीक जुमेदीन ने उन्हें कैच आउट करवाया और इंडिया का पहला विकेट 69 के स्कोर पर गिर गया। अंशुमन गायकवाड़ के आउट होने के बाद मोहिंदर अमरनाथ नंबर 3 पर बैटिंग करने आए। फिर गावस्कर और अमरनाथ ने मिलकर इंडिया की इनिंग्स को 69 फॉर 1 से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। गावस्कर ऑलरेडी सेट हो चुके थे और अच्छी बैटिंग कर रहे थे। मोहिंदर अमरनाथ अभी क्रीज पर आए थे और धीरे धीरे सेट हो रहे थे। सुनील गावस्कर और मोहिंदर अमरनाथ मिलकर इंडिया का स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ने मिलकर 108 रन्स की शानदार पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 177 तक पहुँचाया। इस पार्टनरशिप के दौरान सुनील गावस्कर ने अपनी सेंचुरी पूरी की। जब सुनील गावस्कर 102 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे, तब रफीक जुमेदीन ने उन्हें कैच आउट कर दिया और इंडिया का दूसरा विकेट 177 के स्कोर पर गिर गया। सुनील गावस्कर ने 102 रन्स की इनक्रेडिबल इनिंग्स खेली। फिर मोहिंदर अमरनाथ का साथ देने के लिए गुंडप्पा विश्वनाथ क्रीज पर आए। अमरनाथ और विश्वनाथ मिलकर इंडिया का स्कोर आगे ले जाने लगे। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर बैटिंग करते हुए अपनी इनिंग्स बिल्ड कर रहे थे। जैसे जैसे वो बैटिंग करते जा रहे थे, वैसे वैसे इंडिया का स्कोर आगे बढ़ता जा रहा था। अमरनाथ और विश्वनाथ ने मिलकर 159 रन्स की इनक्रेडिबल पार्टनरशिप की और इंडिया का स्कोर 336 तक पहुंचाया। उनकी इस पार्टनरशिप के दौरान मोहिंदर अमरनाथ ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और गुंडप्पा विश्वनाथ ने अपनी सेंचुरी पूरी की। जिस तरह से अमरनाथ और विश्वनाथ बैटिंग कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों मिलकर ये टारगेट हासिल कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक गुंडप्पा विश्वनाथ रन आउट हो गए और इस इनक्रेडिबल पार्टनरशिप का अंत हो गया। गुंडप्पा विश्वनाथ 112 रन्स की आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलकर आउट हो गए। उनके बाद ब्रिजेश पटेल बैटिंग करने आए। अब मोहिंदर अमरनाथ और ब्रिजेश पटेल क्रीज पर मौजूद थे। इंडिया का स्कोर 336 पर 3 विकेट्स था और इंडिया को जीत के लिए अब सिर्फ 67 रन्स की ज़रूरत थी। दोनों ने मिलकर इंडिया का स्कोर 336 से आगे बढ़ाया और 392 तक पहुंचाया। मोहिंदर अमरनाथ और ब्रिजेश पटेल के बीच 56 रन्स की पार्टनरशिप हुई। उनकी पार्टनरशिप 56 रन्स से और आगे बढ़ पाए, उसके पहले मोहिंदर अमरनाथ रन आउट हो गए।
मोहिंदर अमरनाथ 85 रन्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी इनिंग्स खेलकर आउट हो गए। जब अमरनाथ आउट हुए तब इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 11 रन्स की ज़रूरत थी। फिर ब्रिजेश पटेल ने मदन लाल के साथ मिलकर वो 11 रन्स बना लिए और इसी के साथ इंडिया ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया। ब्रिजेश पटेल 49 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। इस तरह से दोस्तों इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेस कर लिया। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर देना। और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल सुमित क्रिकेट ड्राइव को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।